हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड पार्ट सेकंड है, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और तकनीकी आपको बताई थी। तो आज की वीडियो में हम टाइप सेकंड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहली वीडियो में मैंने टाइप फर्स्ट प्लस कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो आज की वीडियो में हम टाइप सेकंड स्टार्ट करेंगे। ये टाइप डायरेक्शन की बहुत ही खतरनाक और बहुत ही टेक्निकल टाइप है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप को देखने के बाद आपको बहुत ही नया और ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। स्मिता अपने घर से पूर्व दिशा में निकलकर 8 मीटर जाती है, वहां से वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर जाती है, पुनः दाईं ओर मुड़ती है और 8 मीटर जाती है, एक बार फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 7 मीटर चलती है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर चलने लगती है, तो वह किस दिशा में जा रही है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ते पढ़ते ही बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का बहुत ही साधारण और सिंपल मेथड है, जो कि आपके सामने मैं अब बताने जा रहा हूं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि वह कितनी बार दाईं ओर मुड़ती है और कितनी बार बाईं ओर मुड़ती है। तो इस टाइप में हमारी जो टाइप सेकंड है, ये है कि आरंभिक दिशा ज्ञात हो और अंतिम दिशा पूछी जाए। तो इसमें आरंभिक दिशा आपको दी गई है कि स्मिता अपने घर से पूर्व दिशा में चलती है। तो जैसे कि मैंने आपको टाइम में बताया, आरंभिक दिशा दी जाए और लास्ट वाली दिशा पूछी जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत इजी तरीके से करते हैं। तो देखिए, इसमें काउंट कर लेते हैं कि वह कितनी बार दाईं ओर मुड़ती है और कितनी बार वह बाईं ओर मुड़ती है, ये क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए, 8 मीटर चलती है, वह दाईं ओर मुड़ती है, एक बार हमने दाईं ओर लिखा, जिसको मैंने राइट से, राइट हैंड साइड को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ा एक बार, और 10 मीटर जाती है, पुनः दाईं ओर मुड़ती है, एक बार फिर दाईं ओर मुड़ी, 8 मीटर जाती है, एक बार फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, 7 मीटर चलती है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर के लिए लेफ्ट, और चलने लगती है, तो वह किस दिशा में जा रही है। तो देखिए, मैंने यहां से इस क्वेश्चन से मालूम किया है कि वह 3 बार दाईं ओर और 1 बार बाईं ओर मुड़ती है। तो इसी दाएं बाएं के टैलेंट से ही हम क्वेश्चन को इजी बना लेते हैं। तो देखिए, यहां पर हम एक डायरेक्शन बनाते हैं, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है। ये नॉर्थ साइड, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हम देखते हैं राइट से लेफ्ट कटा, देखिए एक राइट से एक लेफ्ट को मैंने काट दिया, अब रह गए हमारे 2 राइट। देखिए 2 राइट रह गए, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि वह पूर्व दिशा में निकलकर 8 मीटर जाती है, तो यहां से केंद्र बिंदु से पूर्व दिशा में निकलकर चलती है। तो 2 राइट का मतलब हो गया, 2 राइट का मतलब हो गया 180 डिग्री। जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट मैं आपको बताया था, 2 राइट बराबर होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री कहाँ बनता है, पूर्व दिशा में, इस प्रकार से बनता है 180 डिग्री। ये 180 डिग्री, इसका मतलब जहां पर 180 डिग्री बनता है तो इसका आंसर आता है पश्चिम, तो पश्चिम। लेकिन हम इसको बहुत अच्छी तरीके से एक और तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से वह मुड़कर पश्चिम दिशा में आ जाती है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे 2 राइट बचे हैं, तो जैसे ही वह पूर्व दिशा में चलती है तो 2 बार दाएं ओर मुड़ने पर कौन सी दिशा बनती है, ये हमें मालूम हो जाता है। तो देखिए, जैसे ही वह पूर्व दिशा में जाती है तो 2 बार दाएं ओर मुड़ती है, ये दाएं मुड़ा, एक बार यहाँ पर दाएं मुड़ा, और चलने के बाद उसके बाद फिर दाएं ओर मुड़ती है, इस प्रकार से एक बार यहाँ पर दाएं मुड़ा, तो इस प्रकार 2 बार दाएं मुड़ने से वह पश्चिम दिशा में आ जाती है। तो वह किस दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है पश्चिम दिशा।
ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है पश्चिम दिशा, तो वह पश्चिम दिशा में जा रही है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजू का मुख उत्तर दिशा में है। देखिए आरंभ की दिशा दी गई है उत्तर दिशा, और वह 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, फिर वह 15 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, और 50 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर चलने लगता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है ये पूछा है, तो हम यहां पर देख लेते हैं एक बाएं, इसके बाद एक दाएं, और इसके बाद एक दाएं और अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए एक लेफ्ट से एक राइट मैंने काटा, राइट बच गया, तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब देखते हैं कि उसका मुख, राजू का मुख उत्तर दिशा में था, आरंभ में उसका मुख उत्तर दिशा में था, और हमारा एक राइट बचा है, तो उत्तर दिशा के बाद राइट साइड मूवमेंट करने पर कौन सी दिशा बनती है। उत्तर दिशा के बाद राइट साइड मैंने बताया इस ओर, यानी कि पूर्व साइड में वह मुड़ जाता है, तो अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, पूर्व में, तो अंत में वह पूर्व दिशा में जा रहा है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी पूर्व दिशा, क्योंकि एक राइट बचा है तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होने के बाद जब एक राइट बचता है तो किस ओर डायरेक्शन का मूवमेंट होता है, राइट साइड में पूर्व दिशा का मूवमेंट होता है, तो वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उन सभी क्वेश्चनों को आप इसी टेक्निक से, इसी मेथड से, इसी ट्रिक से आसान बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको नए नए टेक्निक से आपको देखने को मिलते रहेंगे। देखिए टाइप फर्स्ट, तो टाइप फर्स्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये टाइप भी बहुत ही सुपर टाइप है। तो देखना, जब अंत की दिशा ज्ञात हो और आरंभ की दिशा पूछी जाए, यानी कि इस टाइप में आरंभ की दिशा पूछी जाएगी और अंत की दिशा दी जाएगी। तो क्वेश्चन में अंत की दिशा दी गई है और आरंभ की दिशा पूछी गई है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को हम बहुत ही इजी और टेक्निकल तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से आसान करते हैं। रीता अपने घर से किसी दिशा में चलना आरंभ करती है, वह 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए एक बायां आ गया हमारा, फिर वह 10 मीटर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाती है, एक बायां और आ गया, और 8 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, 12 मीटर चलती है, एक राइट आ गया, और वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, एक राइट और आ गया, अंत में बाईं ओर मुड़ती है, अंत में बाईं ओर मुड़ती है और पूर्व दिशा में चलने लगती है। तो देखिए अंत में बाईं ओर मुड़कर पूर्व दिशा में चलने लगती है, तो आरंभ में किस दिशा में उसने चलना शुरू किया था, किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो यहां पर हम डायरेक्शन बना लेंगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि आप कह सकते हो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पूर्व हो गया ये, और इधर पश्चिम। तो यहां से हम क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। उसने कहा कि वह पूर्व दिशा में चलने लगी, अंतिम जो डायरेक्शन है चलने की उसकी पूर्व दिशा में आ रही है, वह पूर्व दिशा में। तो यहां से दो लेफ्ट से दो राइट कट गया, अब एक लेफ्ट बच गया, तो हम ये पता लगाते हैं कि किस दिशा में से आते हुए वह लेफ्ट साइड में मुड़कर पूर्व दिशा में पहुंची थी। तो देखिए ये तो सीधा हो गया इधर से, ऐसे इधर से अगर दक्षिण दिशा से इधर से उत्तर दिशा में उसने चलना शुरू करा, ऐसे उत्तर दिशा में चलना शुरू किया,
तो हमें पूरब में जाने के लिए राइट टर्न करना पड़ेगा, यानी कि राइट साइड में घूमना पड़ेगा, जो कि हमारा लेफ्ट साइड है। तो दक्षिण दिशा से इधर से वह उत्तर दिशा में जब चली तो राइट टर्न आता है, जबकि हमारा लेफ्ट है, तो ये भी इधर से भी नहीं। तो हम यहाँ से देखते हैं उत्तर दिशा, आपको मालूम हो जाएगा उत्तर दिशा से वह दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है, दक्षिण दिशा में इस ओर दक्षिण दिशा बैठती है। जैसे वह दक्षिण दिशा में चलने लगती है तो वह लेफ्ट टर्न करती है, तो दक्षिण दिशा में बाएं मुड़ना, जैसे वह दक्षिण दिशा में बाएं मुड़ती है तो पूर्व दिशा में चलना शुरू कर देती है। तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था, दक्षिण दिशा, तो ये दिशा हो गई हमारी दक्षिण, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए हमने यहां से मालूम कर लिया है दो लेफ्ट से दो राइट कट गया, एक लेफ्ट बचा है, तो हमें देखना है किस दिशा में चलने के बाद हमें लेफ्ट घूमकर पूर्व दिशा मिलता है। तो देखिए जब हम दक्षिण दिशा में चलेंगे तो इसका लेफ्ट इधर होता है, और जैसे ही लेफ्ट इधर होगा तो ये पूर्व दिशा में पहुंच जाएगी। तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था आरंभ में, तो दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया था, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया था, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स अगर आप टेक्निकल तरीके से क्वेश्चनों को करते हैं तो आपके लिए पेपर बहुत ही इजी हो जाता है, तो आपको हर क्वेश्चन को बहुत ही माइंडली और टेक्निकल तरीके से करना होगा, तभी आप पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी क्लियर करने के लिए इसी कॉन्सेप्ट को हमें बहुत ही इजी बनाना है, जिससे कि हम हर एग्जाम क्लियर कर सकें। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा यदि हम टेक्निक से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मोहन अपने कार्यालय जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। देखिए टाइप तीन का ही ये सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने, मोहन अपना जो कार्यालय है उसके लिए उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। इसके पहले वह घर से निकला, 20 मीटर गया और दाएं मुड़कर, देखिए एक राइट आ गया, दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, एक लेफ्ट आ गया, पुनः 20 मीटर जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है, एक लेफ्ट आ गया, कुछ दूर जाने के बाद पुनः बाएं मुड़ जाता है, एक लेफ्ट और आ गया, और इसके बाद दाएं मुड़ जाता है, एक राइट आ गया। मोहन घर से किस दिशा में निकला था, तो देखिए लास्ट की दिशा दी गई है कि वह अंत में उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। तो यहां से हम एक डायग्राम बनाएंगे, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, इसी डायग्राम पर हम क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। ये हमारा केंद्र पॉइंट होता है, जैसे कि हमें मालूम है उसकी अंतिम दिशा है, जाने की कार्यालय पर पहुंच जाने की दिशा है उत्तर दिशा, तो लास्ट में वह उत्तर दिशा में आता है, लास्ट में उत्तर दिशा में आता है, लेकिन किस दिशा में चलना आरंभ किया था ये हमसे पूछा है। तो देखिए एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा और शेष बचेगा एक लेफ्ट, यानी कि बाई ओर मुड़कर वह उत्तर दिशा में आया था, तो किस दिशा में से बाई ओर मुड़ना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यदि वह पूर्व दिशा में चलता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है इसे, तो बाएं मुड़कर वह उत्तर दिशा बनती है, क्योंकि बाएं मुड़कर उत्तर दिशा बनती है, क्योंकि एक लेफ्ट एक बाएं बचा है। तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था, आरंभ में उसने पूर्व दिशा में चलना शुरू किया था और बाएं मुड़कर पूर्व उत्तर दिशा में पहुंच जाता है, बाएं मुड़कर उत्तर दिशा में पहुंच जाता है, तो आरंभ में उसने पूर्व दिशा में चलना शुरू किया था, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा।
तो फ्रेंड्स, इस टेक्निक से आप हर प्रकार के इस टाइप वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको मैथ, रीजनिंग, हर क्वेश्चन को टैलेंट से ही करना होगा, तभी सिलेक्शन होगा। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 4 देखेंगे। अब आपके सामने टाइप नंबर 4, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इजी टाइप भी है, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टाइप से आपको सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइप नंबर 4 में ये पूछा गया है कि आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग भी किया जाता है, और इसके अलावा अन्य डायग्राम का प्रयोग करके भी हम आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, अंतिम स्थान से आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था पार्ट फर्स्ट में पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि आप जानते हो ये ABC समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC भुजा का स्क्वायर। यह मैंने आपको बताया था AC यानी कि कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो रूट के अंदर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन, सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए यहां पर हम इसको बनाएंगे, चारों दिशाओं पर हम इसको क्रिएट करेंगे। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो केंद्र बिंदु हमारा ये होता है, यहाँ से किसी भी दिशा में हम मूवमेंट कर सकते हैं, किसी भी दिशा में टर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि सुधीर किसी स्थान से, ये स्थान है, और उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। यहाँ से वह उत्तर की ओर चला, जैसे कि यहाँ तक पहुँच गया, ये 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है उत्तर की ओर, ऐसे ये आ गया। फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है, पश्चिम दिशा इसने खुद बताया है, लेफ्ट राइट ना कहकर पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है, ऐसे पश्चिम दिशा में, ये हमारा इस ओर पश्चिम दिशा है, में मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 किलोमीटर लिखा है, 2 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 1 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर ऊपर ऐसे चलेगा वो, 1 किलोमीटर जाता है, ये आ गया यहां पर। अंत में वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, यहां से यह पूर्व की ओर चलेगा ऐसे, 2 किलोमीटर ये, और इससे आगे 3 किलोमीटर और चलाएंगे हम। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम इसको डायग्राम को बना सकते हैं, 2 ये और 3 ये, यहाँ से यहाँ तक हो गया 3, तो 2 और 3 हो गया 5 किलोमीटर, वह पूर्व दिशा में जाता है। अब वह अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर है, शुरू का स्थान यानी ये उसका आरंभिक स्थान बिंदु ये था और अंतिम स्थान बिंदु ये है, तो आरंभ से वह अंतिम स्थान तक के बिंदु के बीच की दूरी हमें से पूछ रहा है कि आरंभ से वह अब कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 किलोमीटर हो गया, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी एक समान है, तो 1 किलोमीटर ये हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 और 3 ये हो गया। तो देखिए 4 ये 3 ये अगर हम लंब मानते हैं तो ये आधार भुजा हो गई और ये कर्ण भुजा हो गई। तो हम आसानी से लिख सकते हैं इसको ऐसे AB और C, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो AB और AC तो पूछा है, BC यानी कि कर्ण पूछा है,
या इसको ऐसे लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ए बी और सी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ए सी बराबर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे रूट के अंदर, ए बी भुजा 3 किलोमीटर बनती है यहाँ 3 का स्क्वायर, प्लस बी सी भुजा 4 किलोमीटर बनती है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, तो ए सी बराबर रूट में 25, तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 5, तो 5 किलोमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 5 किलोमीटर। तो वह अपने आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक के बीच की दूरी 5 किलोमीटर पर होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 5 किलोमीटर। टाइप नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, ये भी पाइथागोरस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजीली तरीके से हल हो जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला। तो देखिए हम एक डायरेक्शन तैयार करते हैं, ये हो गया नॉर्थ उत्तर दिशा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलता है, केंद्र बिंदु से यहां तक वह 12 किलोमीटर चला, ऐसे 12 किलोमीटर चलता है। बहुत ही इजी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। देखिए पूरब की ओर, पूरब इधर हो गया, ये 5 किलोमीटर चला, यहां तक ये 5 किलोमीटर हो गया। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये हमें ज्ञात करना है। आरंभिक स्थान उसका ये था और अंतिम स्थान उसका ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत इजी तरीके से, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी बिंदु हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी निकालना है। ए सी का मतलब कर्ण हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ दो दिशाओं के बीच की दूरी जो होती है, दो दिशाओं के बीच का जो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पाइथागोरस कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ए सी बराबर रूट के अंदर लिखेंगे, ये दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी ए सी है, तो ए सी हमें ज्ञात करना है। ए बी, ए बी हमारा 12 किलोमीटर है, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी सी 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का हो गया 25, जोड़ेंगे दोनों को 169, तो ए सी बराबर स्क्वायर रूट 169 का मान निकालेंगे 13, तो 13 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 13 किलोमीटर। तो आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी हो गई 13 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम नई नई टाइप लेकर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमारी सभी टाइप कंप्लीट हो जाएंगी, तो इसके बाद एक हम नई और खतरनाक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम डायरेक्शन से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे, और वे सभी मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। तो फ्रेंड्स नई टाइप लेते हैं, टाइप नंबर 5। फ्रेंड्स अब हम आपके सामने ये टाइप नंबर 5 लेकर आए हैं। तो टाइप नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट टाइप है। तो फ्रेंड्स देखिए, कोणों के आधार पर दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घूमना। तो सबसे पहले मैंने टाइप पार्ट फर्स्ट में, इससे पहले वीडियो में मैंने वामावर्त दिशा और दक्षिणावर्त दिशा के बारे में मैंने पार्ट फर्स्ट में समझाया है, तो लेकिन एक बार फिर हम इसको रिपीट करते हैं कि कोणों के आधार पर दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा में घूमना किस प्रकार होता है। तो देखिए दक्षिणावर्त दिशा होती है हमारी, दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त घूमना, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमना या दाएं घूमना, ऐसे होता है दक्षिणावर्त दिशा में घूमना।
चारों डायरेक्शन पर हम इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट पर ऐसे दक्षिणावर्त दिशा में इस प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं। ये हमारा दक्षिणावर्त दिशा यानी क्लॉकवाइज होता है या दाईं ओर घूमना भी यही होता है दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा या क्लॉकवाइज। अब हम जानेंगे वामावर्त दिशा। तो वामावर्त दिशा में हम इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं या इस प्रकार टर्न करते हैं। वामावर्त दिशा हमारा इस प्रकार होता है ऐसे, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा में घूमना। तो सबसे पहले हमने यही जाना है दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा क्या होता है, और इसके बाद मैंने कोणों के बारे में भी आपको बताया है। इससे पहले वीडियो में मैंने कोणों के बारे में बताया है कि दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है ऐसे। तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, और सभी दिशाओं के कोणों को जोड़ा जाए तो 360 डिग्री होता है, और यदि इनको 90 डिग्री को आधा किया जाए तो यह 45-45 में डिवाइड हो जाता है, यानी कि 45 डिग्री ये होगा, 45 ये हो गया और 45 ये ऐसे। तो इस प्रकार हम कोणों के बारे में आसानी से क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि मैंने आपको सबसे पहले वामावर्त दिशा दक्षिणावर्त दिशा का मूवमेंट बताया है कि कोणों के आधार पर हमें किस प्रकार दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा में टर्न करना है। तो इसी के आधार पर हम अपना इस टाइप का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। देखिए हम यहाँ पर एक डायरेक्शन बनाएंगे, चारों डायरेक्शनों को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, यानी कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है और ये वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, यहां पर केंद्र बिंदु है, ये मुख करके दक्षिण की ओर खड़ा है। वहां से वह 135 डिग्री के कोण पर वामावर्त दिशा में घूमता है। तो वामावर्त दिशा क्या होता है? वामावर्त दिशा इस प्रकार इधर से होता है, ऐसे वामावर्त दिशा में घूमने लगता है 135 डिग्री के कोण पर। तो देखिए 135 डिग्री के कोण पर वह वामावर्त दिशा में घूमने लगता है। बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा ठीक है, देखिए ये एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, सॉरी मैंने समझा ये उत्तर की ओर, उत्तर की ओर सोचा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, तो दक्षिण की ओर, लेकिन वामावर्त दिशा घूमना इसी प्रकार से होगा, चाहे वह उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, चाहे वह दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, तो वामावर्त दिशा उसकी इसी प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वह व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके ऐसे खड़ा है, दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, और वह 135 डिग्री, 90 यहां हो जाएगा और 45 ये हो जाएगा, तो 90 ये और 45 ये 135 डिग्री, 90 प्लस 45 135 डिग्री वह वामावर्त दिशा में घूम गया। देखिए दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है तो वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूम जाता है, सॉरी 135 डिग्री, तो 135 डिग्री वह वामावर्त दिशा में घूमता है, पुनः वहां से वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है। तो 180 डिग्री क्या होता है? दक्षिणावर्त दिशा, ऐसे घूमने को होता है दक्षिणावर्त दिशा, यानी क्लॉक वाइज घूम जाता है 180 डिग्री, यहाँ से यह वापस यहाँ पर आता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री
दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है, तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ये हमसे पूछा है। अब उसका मुख देखिए जिस डायरेक्शन में वह घूमकर आता है तो वह उसका मुख उसी डायरेक्शन में होता है। देखिए यहां पर, यहां से यह 180 डिग्री घूमकर आ गया, तो ये डायरेक्शन क्या बनती है हमारी, जैसे कि कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है, दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम, अब उसका मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में उसका मुख होगा, दक्षिण पश्चिम। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन को हल कर दिया है, तो कोणों के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको कोणों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो आप पार्ट फर्स्ट देख लेना, डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट टोटल आपको बताए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन के हर क्वेश्चन को इजी तरीके से हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप फाइव का सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, देखिए यहां पर हम डायरेक्शन बनाएंगे, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, केंद्र बिंदु यह है, और एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यहां से यह ऐसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वहां से वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम गया, दक्षिणावर्त दिशा ऐसे यानी क्लॉकवाइज, तो वह 100 डिग्री घूम गया, 90 ये हो गया यहां से यहां तक, थोड़ा 10 और ले लेंगे आईडिया से, तो 10 डिग्री ये हो गया, तो यहां से यहां तक हो गया 10 डिग्री ये, तो वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, ये 100 डिग्री हो गया दक्षिणावर्त दिशा में घूम गया। पुनः वह 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम जाता है, वामावर्त दिशा ऐसे होता है, वामावर्त दिशा ऐसे, तो यहां से पुनः वह 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम गया, 100 तो ये हो गया उसका, और 45 यहां से लेंगे उसको ऐसे ऐसे, तो वह यहां से यहां तक वापस वामावर्त दिशा में इस प्रकार यहां पर आ गया, तो 145 डिग्री घूम गया है वो वामावर्त दिशा में, तो 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम गया, और अंत में वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा यही है घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज, फिर यहां से यह 90 डिग्री 45 ये और 45 इसका ये होगा यहां से, तभी वह 90 डिग्री बनेगा, यहां से 90 डिग्री वह फिर दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो देखिए इस डायरेक्शन पे आ गया, और ये डायरेक्शन होगी हमारी दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व, तो अब वह दक्षिण पूर्व दिशा में उसका मुख होगा, दक्षिण पूर्व में, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है, दक्षिण पूर्व। तो फ्रेंड्स टाइप नंबर 5 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 6, 7, 8, 9 आदि टाइप इस प्रकार से ही लेकर आएंगे, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, अवश्य हमारी वीडियो को देखेंगे, और यदि हमारे कोई भी डाउट या कोई भी आपको कोई फॉल्ट या कुछ भी है तो कमेंट करके भेजना, जिससे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर सके। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।